नमस्कार साथियों, देसी अमानत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजद के प्रदेश महासचिव मीर जवान जी से आपको रूबरू करवाते हैं और उन्होंने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, तो चलिए आगे आपको वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। अभी अभी हम घाट पे मौजूद हैं और ये घाट आप देख सकते हैं, यहाँ पे कारू बाबा का यहाँ पे स्थापित मंदिर है और इसी मंदिर प्रांगण से हम लोग जो है बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के और उसके बाद जो है प्रस्थान कर रहे हैं। और राजनपुर पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम है रखठी, उस रखठी ग्राम हम लोग जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि विगत 2-2.5 महीनों में हमने 800 लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया है। मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, हर अंतिम व्यक्ति से मिलकर उनके समस्याओं को सुन रहा हूं और जो भी संभव मदद हो पा रहा है ऑन द स्पॉट ही समस्या का समाधान कर रहा हूं। और ईश्वर ने, अल्लाह ने जो भी संसाधन दिया है उस संसाधन के अंतर्गत हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं एक एहसास दिलाना चाहता हूं, मैं जनता मालिकों के बीच में जा जाकर मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का जो मूल काम है, जनप्रतिनिधि का जो मूल काम है वो वास्तविकता में क्या है, ये मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ। जनप्रतिनिधि का सिर्फ ये काम नहीं है कि आप सड़क बना दीजिए और कमीशन ले लीजिए, आप रोड बना दीजिए और कमीशन ले लीजिए, आप नाला बना दीजिए और कमीशन ले लीजिए, आप लाइट लगा लीजिए और कमीशन ले लीजिए, सिर्फ जनप्रतिनिधि का यही काम नहीं है। बल्कि जनप्रतिनिधि का काम है जन समाज के अंतिम व्यक्ति के मूलभूत समस्याओं को सुनकर उनके समस्याओं का समाधान करना। आज आप मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि आज विगत 2-2.5 महीनों के अंदर ही हमने 800 लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया है। हमने 350 लगभग राशन कार्ड बनवाया है लोगों का, हमने 300 से अधिक जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन बनवाया है, हमने अनेक ऐसे कार्य किए हैं। और उसी के अंतर्गत आज मैं राजनपुर पंचायत के अंतर्गत रखठी ग्राम जा रहा हूँ और रखठी ग्राम में हमारे जो दलित भाई हैं, जो 80 परिवार हैं, वो 80 परिवार जो है भूमिहीन हैं, उनको सरकार के द्वारा जो है 5 डिसमिल जमीन मुहैया अभी तक नहीं करवाया गया है। मैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जा रहा हूं और मैं उनसे उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनका जो वाजिब मांग है वो मांग मैं सरकार और प्रशासन से संघर्ष कर उनके मांगों को अविलंब दिलाना। मैं राजनपुर पंचायत के अंतर्गत रखठी ग्राम जा रहा हूँ और आज देखिए मैं रखठी ग्राम में हूँ और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रखठी ग्राम में जो लगभग 80 परिवार है, जो हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे जो सादा भाई हैं, वो भूमिहीन हैं और किन्हीं को पास जो है 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है, खुद का जमीन नहीं है जिस जमीन पर वो रह सके। इसलिए मुझसे जो है बाबा जी ने आग्रह किया था, बाबा जी चंद्रेशी नाम है इनका, इन्होंने मुझसे आग्रह किया था, आज मैं इनके घर पहुँचा हूँ, रखठी गाँव पहुँचा हूँ, घर घर जा करके सब लोगों से हमने व्यक्तिगत तौर पर बात किया है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति के पास कोई जमीन नहीं है रहने के लिए। सरकार जो है आज तक इनको जो है 5 डिसमिल जमीन जो इन लोगों का हक बनता है वो आज तक इन लोगों को नहीं मिला है। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, जो सारे लोग जो है भूमिहीन है, यहाँ पर किसी तरीके से जिंदगी जीने को बेबस है। हमारा मांग है ये जिला प्रशासन से, और मेरी बात जो है महसी के सीओ साहब से हुई है, एसडीओ साहब से हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप सब लोगों का जो है मैंने लिस्ट तैयार कर लें और लिस्ट तैयार करके हम सब लोगों का लिस्ट तैयार करके महसी सीओ साहब को मैं देने जा रहा हूं। और मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है, सीओ साहब से भी आग्रह है, एसडीओ साहब से भी आग्रह है और सहरसा के जिला पदाधिकारी से भी आग्रह है हमारा कि देखिए ये जो 80 परिवार है महादलित परिवार है और महादलित परिवारों में एक भी परिवार को अपना कोई निजी जमीन नहीं है। तो मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ जिला पदाधिकारी महोदय से कि मेरा आग्रह है कि इन सबको सरकार के नियमानुसार 5 डिसमिल जमीन जो है इनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ये अपना जिंदगी जो है गुजर बसर जो है आसानी से कर सके। आज देखिए बारिश का मौसम है और हम सवेरे से बारिश में घूम घूम करके एक एक व्यक्ति के घर जा करके हमने लोगों का समस्या सुना है। आज तकरीबन हमने दर्जनों जो है पेंशन करवा करके जो है लोगों को जो है लोगों के घर घर जा करके हमने पेंशन करवा के घर तक पहुंचाया है और लोगों का प्यार और आशीर्वाद सदैव हमको हमेशा की तरह मिलता जा रहा है। हम बस दर्शकों से यही निवेदन करेंगे
कि आप कृपया कर ऐसे मैंने काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, आप जो है ऐसे जो काम करने वाले लोगों को है शाबाशी दीजिए, जो कि आने वाले भविष्य में हम जैसे लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगा और हम और बेहतर तरीके से समाज के प्रति जो है काम कर पाएंगे। और मेरा आशा नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आप जो है ऐसे वीडियो को जो है शेयर करके और भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि प्रेरणा मिल सके लोगों को कि जो एक जनप्रतिनिधि का काम है, जो एक जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता के जो मौलिक अधिकारों को, जो उनके जेन्युइन जो समस्या है, उन समस्याओं को सुनकर, उन समस्याओं को समझकर उनका समाधान करें। हालांकि आज का वर्तमान जो राजनीति है हम समझते हैं गंदा राजनीति है, लेकिन सवाल ये है कि इस गंदे राजनीति को साफ कौन करेगा। इसलिए मेरा आग्रह है ऐसे सभी सामाजिक लोगों से कि ऐसे सभी सामाजिक लोग एकजुट होकर के आगे आवे और समाज में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सब लोग एकजुट मिल करके जो है संघर्ष करेंगे। और आने वाले निकट भविष्य में मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि इनका जो भी जन्मिन समस्या है इनके समस्या का समाधान होगा। बस इसी शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। बारिश का मौसम है, रात होने वाली है ना, अब घर के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत आभार है सब लोगों का, सब लोगों ने बहुत संयम